नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 की परीक्षा हो गई है और मैंने कई सब्जेक्ट का कट ऑफ जारी किया था और कुछ सब्जेक्ट के दोस्तों आई थिंक 7-8 सब्जेक्ट के कट ऑफ रह गए हैं। मैं डेली दोस्तों दो दो सब्जेक्ट का कट ऑफ का वीडियो प्रोवाइड करूँगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो मैं कट ऑफ का वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, आप लोगों के द्वारा कमेंट का सर्वे किया गया है। मैंने कई सारे पोल जारी किए थे और आप लोगों के द्वारा कहा गया था कि सर एक कट ऑफ की वीडियो बनाइए, तो हम लोग आप लोगों से बोले थे कि आप लोग कमेंट करिए, तो आप लोगों ने दो कमेंट किए दोस्तों। आप लोगों के जो मार्क्स आए हैं उसके आधार पर मैं ये कट ऑफ की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो निवेदन है दोस्तों, जितना अगर इतना मार्क्स आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए दोस्तों, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग चिंता मत करिए। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले दोस्तों कट ऑफ को देखते हैं, उसके बाद बताएंगे कम क्यों कट ऑफ जाएगी, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात को श्योरिटी दे देना चाहता हूँ, ये सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाएगी, इन्हीं दो विषयों की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाने वाली है दोस्तों टीजीटी पीजीटी भर्ती में। बाकी सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ इससे कम ही रहेगी, आप लोगों ने जिस तरह से कमेंट्स किया है उस कमेंट्स के आधार पर, ठीक है। आप लोग कुछ भी चीज़ को निगेटिव वे में मत लीजिएगा, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, बट आप लोग निगेटिव वे में मत लीजिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। अगर आप मैथ से हैं और जनरल से बिलोंग करते हैं, अगर आपने 95 क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी 95 क्वेश्चन अगर आपने सही किया है तो 100% है कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिए, क्योंकि सभी को पता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने वाला है और तुरंत ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि 31 अक्टूबर तक पीजीटी की भर्ती को क्लियर कराना है। ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आपने 93 क्वेश्चन सही करके आए हैं और मैथ से हैं, ठीक है, मैथ से हैं तो बिल्कुल आप 100% श्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस से हैं, 94 क्वेश्चन आपने सही किया है तो बिल्कुल सिलेक्शन श्योर है। एससी से बिलोंग करते हैं, अगर आपने 90 क्वेश्चन सही किया है बिल्कुल हो जाएगा। और मैं आपको दोस्तों बार बार कर रहा हूँ, आपका मैथ और संस्कृत का यही दो सब्जेक्ट हैं जिसकी कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। बाकी दोस्तों 80 नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, वो सब्जेक्ट कौन कौन से दोस्तों मैंने बताया है। बाकी आपके लिए डेली दो सब्जेक्ट का वीडियो ला रहा हूँ और जिनका सब्जेक्ट छूट रहा है प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन मेंशन करना, आप किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं और किस कैटेगरी से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। हर कमेंट्स को दोस्तों मैं देखता हूं और उसके बाद दोस्तों कट ऑफ का वीडियो बनाता हूं, ठीक है, वैसे नहीं बनाता हूं। चलिए संस्कृत का देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों हर सब्जेक्ट में दोस्तों सबसे ज़्यादा आपकी जो संस्कृत की कट ऑफ रहेगी, जनरल से आप, क्योंकि दोस्तों मेरे को जितने भी कमेंट्स मिले हैं सब 95+ कमेंट्स मिले हैं, ठीक है, 95 क्वेश्चन करने वाले दोस्तों ज़्यादा अभ्यर्थी मिले हैं। तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, अगर आपने 98 क्वेश्चन किए हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन शोर हो जाएगा, आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों रेडी रहिए। ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं और ओबीसी में आपने 95 क्वेश्चन सही किए हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, कोई भी आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता, आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेडी रखिए। और बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, अगर आप ईडब्ल्यूएस बिलोंग करते हैं, 97 क्वेश्चन सही किए हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन श्योर है। एससी की बात करें तो एससी से अगर आपने 92 क्वेश्चन सही किए हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और दोस्तों मैंने दो सब्जेक्ट की कट ऑफ की वीडियो प्रोवाइड कर दी है, तो मैं बताना चाहता हूँ यही दो सब्जेक्ट है जिसकी कट ऑफ हाई जा रही है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट की दोस्तों कट ऑफ 90 या फिर 85 के करीब रह जाएगी, ठीक है। और आप लोगों की जो भी क्वायरीज़ हो प्लीज़ मेंशन कर देना दोस्तों, मैं हर क्वायरीज़ हर कमेंट्स को देखता हूँ, उसके बाद दोस्तों एक प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों का दोस्तों प्यार और सपोर्ट हमें चाहिए, और जो भी आप लोगों के कमेंट सेक्शन में दोस्तों डाउट हो प्लीज़ मेंशन कर देना, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।